नमस्कार, KIA में आपका स्वागत है। कल फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल की है, न केवल जीत बल्कि एक प्रचंड जीत हासिल की है हमारे फिरोजाबाद जनपद की श्रीमती हर्षिता सिंह ने। तो आज हम हर्षिता सिंह जी से जानेंगे कि जनता के लिए उनके क्या संदेश हैं और किस तरह से ये जीत उनको हासिल हुई, उसमें उनका श्रेय किसको जाता है और क्या क्या उनकी आगे फिरोजाबाद के लिए भूमिकाएं रहेंगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं आज श्रीमती हर्षिता सिंह जी। नमस्कार हर्षिता जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो आपकी ये जो जीत हुई है चुनाव में, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं कि किसकी वजह से आपको ये जीत हासिल हुई, इसमें आप किसको श्रेय देना चाहती हैं, सबसे अधिक श्रेय किसका है? हाँ, इसमें एक्चुअली ये जीत मैं पूरी तरह जनता को समर्पित करना चाहूँगी और इसका श्रेय अपनी पार्टी को भी देना चाहूँगी, क्योंकि पार्टी ने ही मुझे अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया। अपने पार्टी के सारे सीनियर्स, जैसे हमारे CM माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी, सबको थैंक यू वेरी मच। और ये जीत हमारी नहीं, ये एक्चुअली ये जनता की जीत है, जनता ने हमें सपोर्ट किया, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि आपकी जीत का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं हरिओम यादव जी को भी जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हरिओम यादव जी ने भी अपने वोट हमें दिए, हमारी पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया था उनके सपोर्ट के लिए, उन्होंने भी हमारी पार्टी की बात रखी और हमें सपोर्ट किया और वोट दिया। अच्छा, जीत के बाद अब आगे, जीत तो हो गई क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आप अपने फैमिली से पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है आपका, यहाँ आप जब ससुराल में आई हैं तो यहाँ पूरी तरह से सब कुछ पॉलिटिकल है, तो अभी कोई पॉलिटिकल तजुर्बा मेरे ख्याल से नहीं है आपको, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से आप काम करेंगी, आगे क्या आपकी रणनीतियाँ रहेंगी, किस तरीके से काम करने का आपका क्या तरीका रहेगा? मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट अब इस फैमिली में हूँ, ये फैमिली मेरी जनता के लिए पूरी समर्पित है, बहुत दशकों से जनता की सेवा करती आई है, तो अब इनकी गाइडेंस में मुझे भी ये मौका मिला है जनता के लिए कुछ करने का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक महिला होते हुए महिलाओं के लिए आपके क्या कार्य रहेंगे, किस तरीके से आप उनको बढ़ावा देंगी, या क्या आपने सोचा है कि नहीं ये काम मुझे महिलाओं के लिए करना है, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, तो उसको लेकर के आप क्या, आपके क्या विचार हैं? एक्चुअली जो गांव की हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनमें जागरूकता थोड़ी कम है, तो उस पर हम थोड़ा बढ़ावा देंगे, वुमेन सेफ्टी पे भी हम थोड़ा जोर देंगे, और जैसे आजकल ये कोविड बहुत फैला हुआ है, COVID-19, उसके लिए वैक्सीनेशन लोग नहीं लगवा रहे हैं, गांव की जनता में ऐसा एक र्यूमर फैला हुआ है वैक्सीन लगवाएंगे तो आगे अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, फीवर आता है, ये आता है, तो उसके प्रति हम लेडीज़ के थ्रू तो ये जागरूकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही अपने परिवार की देखरेख करती हैं। रुचि यादव जी आपके विपक्ष में थी तो, और वो हार गईं, उनका ये सीधा सा आरोप था कि अधिकारियों ने उन पर उनकी बात नहीं सुनी, प्रत्याशियों पर सॉरी जो वोटर थे उन पर दबाव बनाया गया, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि वो उनका कहना कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है? मुझे लगता है ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, अब उन्हें अपनी हार का वो क्रेडिट किसी न किसी को देना था तो उन्होंने प्रशासन पर लगा दिया। अच्छा, आप अगले 5 सालों में फिरोजाबाद को किस मुकाम पर देखना चाहती हैं, किस स्टेज पर देखना चाहती हैं कि फिरोजाबाद में, या आपको फिरोजाबाद में कुछ खामियां ऐसी दिखीं कि आपको लगता है कि फिरोजाबाद में ये चीज़ और होनी चाहिए, या मैं इस तरीके से फिरोजाबाद के लिए और कुछ कर सकती हूँ? आप एजुकेशन लेवल पर भी आप एक अच्छी एजुकेटेड पर्सन हैं, तो उस सबको लेकर के क्या आपकी विचार हैं, क्या आपकी नीतियाँ हैं कि आप किस तरीके से फिरोजाबाद को अगले 5 सालों में देखना चाहती हैं?
हम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे, रोडें बनवाएंगे जहाँ पे पुल की आवश्यकता है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे और चिकित्सा के भी उसमें हम काम करना चाहेंगे, और जो भी जनता की प्रॉब्लम है, जो भी वो अपनी प्रॉब्लम लेके आगे बढ़ के हमारे पास आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका भी समाधान निकालें, और हम जो भी ऊपर से केंद्र सरकार से हमारे पास जो भी स्कीम्स आती है उसका बेनिफिट हर एक पर्सन तक, उस योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी समाज, अपनी जनता को पूरा न्याय दिलाने का ट्राई करेंगे। कि फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी ड्यूरिंग COVID-19 जो र्यूमर जैसा अभी आपने बोला कि फैला हुआ है, तो उसको लेकर भी एक क्या संदेश आपका रहेगा, और आगे आप जो काम करने जा रही हैं उसके लिए आपको जनता को क्या संदेश रहेगा फिरोजाबाद में? जनता के लिए मेरा ये संदेश है, सरकार के दिए गए निर्देश कोविड के लिए आप पूरा फॉलो करें तो ही हम कोविड के इससे आगे बढ़ सकेंगे, इस वायरस को हरा सकेंगे। और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या जब भी लॉकडाउन लगाया जाता है, आप उनके हर एक नियमों का पालन करें, और सरकार कह रही है आप वैक्सीन लगवाइए तो आप प्लीज़ लगवाइए, सरकार के आप सरकार का साथ देंगे तो ये आपकी खुद की भलाई के लिए है। और मैं यहाँ की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम यहाँ सबके विकास के लिए आए हैं, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी या कोई कास्ट या पर्टिकुलर वोट बैंक के विकास के लिए नहीं आए हैं, आप किसी भी कम्युनिटी या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आगे बढ़ के आते हैं तो हम भी आपकी प्रॉब्लम पूरी सल्यूशन निकालेंगे और आपको पूरा सहयोग करेंगे। तो पूरी तरह से जनता के साथ रहने का वादा श्रीमती हर्षिता सिंह जी कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि हम आगे बढ़कर जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। वो पूरी तरह से तैयार हैं कि कैसे हम इस COVID-19 की महामारी के दौर में अपने आप को कैसे अपनी जीविका चलाएं। और अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा कि ये जो COVID-19 अभी आया है, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो लेबर जो बाहर काम करते थे वो माइग्रेट होके अपने गांव वापस आ गए, तो उनके लिए या उनकी जीविका के लिए सरकार अभी तो राशन जैसे दे रही है, तो राशन भी बढ़ा दिया है उन्होंने, एक बारी उनको महीने में मिलता था, अभी दो बार मिल रहा है, एक बार फ्री मिल रहा है और एक बार जैसे उनका जो भी कॉस्ट है उस पर मिलता है, तो इससे तो पूर्ति नहीं होती है ना जीविका की, तो उसके लिए क्या ऐसा आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा हो सकता है कि उनकी जो जीविका है उस पर कोई असर ना पड़े, और जैसे उनका पहले वो अपना जीविका चला रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, तो उसमें आप किस तरीके से सहयोग उनका कर सकती हैं? एक्चुअली सरकार की जो योजना आई है अगर वो ठीक से लागू किया जाए तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का लाभ होता है, और हम स्थानीय रोज़गार को भी बढ़ावा देना चाहेंगे, जैसे कि हमारी बहुत सी लेबर्स जो घर को वापस आ गए हैं उनका रोज़गार चला गया है, अगर हम स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देंगे, जैसे वहाँ पर हम कोई काम कराएंगे, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कराएंगे या जल निकासी की प्रॉब्लम के लिए नाला नाली बनवाएंगे, तो उसमें जो रोज़गार मिलेगा ये उसमें वही लोग हमारा सहयोग करेंगे, इससे उनकी भी जीविका चलती रहेगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होगा। ठीक, इसके साथ में क्या कोई ऐसा कोई स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज या मतलब ऐसा कोई जैसे कोई गांव में एक कोई रोज़गार ऐसा पैदा करना जिससे कि गांव के कई लोगों को रोज़गार मिल सके, कोई ऐसा साधन जुटाना जिससे गांव के कई लोगों को रोज़गार मिल सके, ऐसा कुछ प्लान क्या अभी है या फिर आने वाले समय में होगा? एक्चुअली इस पर अभी हम सोच विचार कर रहे हैं, जैसे गांव की महिलाओं को हम रोज़गार के लिए कुछ स्कीम्स ला सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हुआ, कुछ होममेड प्रोडक्ट्स हुए, जैसे ये आपकी होममेड फूड प्रोडक्ट्स हुए, वो आप घर पे बैठे बना सकते हो, फिर वो ऑल ओवर जहाँ भी सेल आउट होगा उसका आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही सेल आउट होगा, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो डायरेक्ट आपके पास जाएगा। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हर्षिता सिंह जी ने हमें बताई हैं, और उन्होंने अपना पूरा एक प्लान, क्योंकि अभी कल ही उनकी जीत हुई है, मेरे ख्याल से अभी पूरा तरीके से उनका प्लान भी नहीं तैयार किया होगा कि किस तरीके से हम कैसे कैसे काम करेंगे, फिलहाल जो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से वो बहुत अच्छी तरीके से जनता के साथ हैं और हर तरीके से वो जनता की मदद करने के लिए तत्पर हैं।
आगे आने वाले निकट भविष्य में भी वो जनता के साथ रहेंगी। उनका कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आएगा अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को लेकर के, तो उसका ज़रूर निवारण किया जाएगा और जिस हद तक वो कर सकती हैं उस हद तक वो उनका सहयोग करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता सिंह जी हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।